मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोरोना कोरोना कोरोना, इस कोरोना में क्या क्या करो ना, लॉकडाउन तोड़ो ना, घर से बाहर निकलो ना, लोगों से मिलो ना, लेकिन पढ़ाई छोड़ो ना। और छोड़ोगे कैसे, मैं छोड़ने दूंगा तब ना। और जहां तक क्वेश्चन बनाए थे वहां से आगे बढ़ो ना, जहां तक क्वेश्चन बना हुआ था वहां से आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले कंसेप्ट की दो बातें मैं आपसे करूंगा। तो कंसेप्ट की जो दो बातें है वह आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए जरूरी है, तो सावधान, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसके लिए सावधान हो जाओ, पेन पेंसिल उठा लो और तैयार होते हैं, रेडी, ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई दो आदमी है और एक डिस्टेंस दिया हुआ है और उसको ट्रेवल करने में अलग अलग समय लग रहा हो, और उस स्थिति में अगर आपसे दूरी को लेकर या चाल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कैसे हल करोगे? ध्यान दो, केवल अगर समय दिया हो उस समय, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, अगर आपसे कहा जाए कि जो पहला व्यक्ति है किसी डिस्टेंस को 10 घंटे में तय कर लेता है और दूसरा व्यक्ति है मान लेते हैं 15 घंटे में उस डिस्टेंस को यह तय कर रहा हो। अब यहां पर सिर्फ समय दिया हुआ है, समय को आधार मान करके दूरी की गणना करना और चाल को निर्धारित करना और फिर क्वेश्चन के हल तक पहुंचना, आज का यह मेरा टाइप है, यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में किसी दूरी को तय कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह दूरी क्या है, यह तो हमें दिया हुआ है नहीं, एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे कि वह दूरी क्या होगा। दूरी का पता करने के लिए एलसीएम का सहारा लेंगे। अगर पूछा जाए कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा तो आप कहोगे कि ये तो 30 होगा। तो ये जो 30 आ रहा है आप इसको डिस्टेंस मान लो, मान लो कि डिस्टेंस क्या होगा 30 किलोमीटर, 30 क्या था 10 और 15 का एलसीएम। अब जरा मुझे बताओ कि 30 किलोमीटर की दूरी अगर कोई 10 घंटे में तय कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी 30 को 10 से भाग दोगे तो होगा क्या 3, तो ये आपका स्पीड होगा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा होगा। बी 15 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा? तो 30 और बटा में 15, यानी हम बोलेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, यहां पर जो डिस्टेंस है और यह स्पीड है यह माना गया है और इस माने हुए वैल्यू पर ही हमें क्वेश्चन को आगे हल करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग समझ गए, ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उस स्थिति में अगर पूछा जाए दूरी क्या होगा, कुछ भी रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन हल करने के लिए जो हम मानेंगे वह इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा तो 30 होगा, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस। अब अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो आसानी से निकाल सकते हो दूरी और बटा में समय, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल होगी। अगर यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तब आगे का क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी पर प्रातः 11 बजे पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे रवाना होती है और प्रातः 11:30 पर यह स्टेशन ए पर पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी? देखो, रेलगाड़ी ए जो है हुआ है 7 बजे सुबह चली और 11 बजे पहुंच रही है स्टेशन बी पर। अब ए स्टेशन से चलने वाली गाड़ी के द्वारा जो समय लिया गया वह 7 बजे से 11 बजे के बीच का, यानी 4 घंटा। अब स्टेशन बी से जो गाड़ी चली थी वो तो 8 बजे चली थी, पहुंची कब 11:30 बजे, यानी कि इसके द्वारा जो समय लिया गया 3.5 घंटे का, जिसे हम 7/2 घंटा भी लिख सकते हैं। अब देखो कंडीशन यह है कि एक समय दिया है 4 घंटे का और एक समय दिया है 7/2 घंटे का। अभी हमने बताया था
की दूरी मानना, दोनों का एलसीएम लेंगे। आप जानते हो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना, 4 और 7 का एलसीएम होगा 28, या डिस्टेंस हो जाएगा 28 किलोमीटर। आप मुझे यह बताओ कि जो स्टेशन ए से जो गाड़ी चली होगी उसकी स्पीड क्या होगा? आप बोलोगे दूरी और बटा में समय, यानी बोलेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर बी स्टेशन से चलने वाली गाड़ी का स्पीड पूछा जाए तो अगर हल करोगे यहां पे दूरी है और ये समय है, यानी यहां पर बोलेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस से, तो अब हमारे पास आ गया है टोटल डिस्टेंस कितने का है, तो 28 किलोमीटर का है। स्टेशन ए से जो गाड़ी चली है वह है 7 बजे चली थी, अब 7 बजे चली और यह 8 बजे चल रही है और ये 7 बजे चली थी। एक पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब समय आपका अलग अलग हो वैसे स्थिति में दोनों समय एक करना पड़ेगा। अब 8 को तो 7 में बदल नहीं सकते हैं, 8 के बाद तो 9 होगा 10 होगा, लेकिन 7 के बाद तो 8 होगा। तो 7 बजे जो गाड़ी चली या 8 बजे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर ये पहुंची है। अब 8 बजे तक इसके द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा वह 1 घंटे में तय किया गया दूरी के बराबर होगा और इसका स्पीड कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा सकती है। तो शेष दूरी कितना हो गया 21 किलोमीटर का। अब यह 21 किलोमीटर का दूरी जो है दोनों अब 8 बजे गाड़ी एक दूसरे की तरफ चल रही होगी। जब एक दूसरे की तरफ चलती है जब विपरीत स्पीड होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें जोड़ना पड़ता है, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15, 21 और बटा में अगर 15 करो, इसको अगर हल कर लेते हैं, देखो 3 से 5 बार में और 3 से 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1.2/5 घंटा। 1.2/5 घंटा को घंटा और मिनट में अगर बदलें तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा और 2/5 घंटा को मिनट में बदलो तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 24 मिनट। अब यह 1 घंटा 24 मिनट कब से लेंगे, तो 8 बजे से दोनों गाड़ी इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, यानी 8 बजे से 1 घंटा 24 मिनट के बाद का जो वक्त होगा वह आपका आंसर होगा, 8 बजे से 1 घंटा 24 मिनट का जो वक्त होगा वह 9:24 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन 29 नंबर में भी है, तो 25 के बाद तो 26, 27, 28 बनाएंगे तो 29। मुझे लगता है कि पहले 29 नंबर क्वेश्चन देख लें, उसके बाद बीच वाला क्वेश्चन आपका मैं बना देता हूं। तो पहले 29 नंबर का क्वेश्चन देख लो। एक रेलगाड़ी पूर्वाहन 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाहन 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाहन 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन 10:30 पर यह स्टेशन ए पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने कितने बजे गुजरेंगी? देखो सेम कंडीशन है, स्टेशन ए से 5 बजे चल रही है 9 बजे पहुंच रही है। बी से अगर देखें तो दिया हुआ था कि 7 बजे चलती है और 10:30 पर पहुंचती है, यानी कि आप बोलोगे कि ए को तो 4 घंटा लगा, बी को 3.5 घंटा, यानी 7/2 घंटा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25 था, टोटल डिस्टेंस कितना का होगा 28 किलोमीटर का, स्पीड निकालोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा और यह क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल डाटा वही है जो 25 में था। अब देखो बाबू टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो तो 28 किलोमीटर का हो गया थी, और स्टेशन है बी से जो गाड़ी चली है वह कितने बजे निकली है, तो 7 बजे निकली है। अब 5 बजे का समय और 7 बजे का समय दोनों समय अलग अलग है, एक समय करने के लिए 7 बजे हमें यहां पर लेना होगा, यानी 5 बजे जो गाड़ी चली तो 7 बजे तक वह कितना दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे का समय हो रहा है, स्पीड क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाएगी, तो 2 घंटा का समय हुआ तो 2 घंटे में कितना जाएगी, तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो शेष दूरी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस तो 28 किलोमीटर माना गया तो शेष डिस्टेंस भी क्या होगा 14 किलोमीटर का होगा। तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब देखो दोनों गाड़ी जो है यहां से अब एक साथ 7 बजे से एक दूसरे की तरफ चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा तो प्लस करना पड़ेगा, 7 और 8 को जोड़ेंगे 15 होगा, हल कर लो यानी कि डिस्टेंस अब शेष कितना बचा 14 किलोमीटर का, स्पीड क्या हो गया 15 का, यानी कि अगर यहां से हल करो
तो आपको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से गुना करोगे तो 56 मिनट, यानी 56 मिनट लगेंगे। कब से? तो 7 बजे से। तो 7 बजे से 56 मिनट का जो समय होगा वह कितने बजे का समय होगा, आप मुझे बताओ जल्दी। 7 बज करके 56 मिनट, यह बिल्कुल करेक्ट समय है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, पी और क्यू दो भिन्न भिन्न स्थानों से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वे एक दूसरे से मिलते हैं उस समय तक क्यू ने पी से 36 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 26, देखो पी का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू का स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऐसे सवाल में हमें करना क्या होता है, दोनों चीज देखनी होती है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का जोड़फल क्या होगा। ऐसे बात को मानते हैं, अगर एक घंटा पी चला हो और एक घंटा क्यू चला हो तो ज्यादा कौन चलेगा, तो क्यू चलेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, एक घंटे में 30 किलोमीटर जा सकता है। कितना ज्यादा चलेगा, तो 10 किलोमीटर ही ज्यादा चलेगा। अच्छा टोटल है डिस्टेंस दोनों के द्वारा जो ट्रेवल किया जाएगा वो क्या होगा, तो पी के द्वारा 20 किलोमीटर क्यू के द्वारा 30 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर का। तो 50 किलोमीटर का दूरी जब ट्रेवल करेंगे दोनों तो उस समय क्यू 10 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुका होगा। बस हो गया सवाल हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर का अंतर होगा कब, जब 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा तब, या जीरो से जीरो आप यहां पर कैंसिल कर लो, तो 1 किलोमीटर का अंतर होगा कब, जब 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा तब। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 36 किलोमीटर क्यू अधिक चल रहा है तो उस समय टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो बस आपको 36 किलोमीटर क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी बता चुके हैं याद रखना, 36 और 5 का गुना करोगे क्या होगा 180 किलोमीटर। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 180 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा ही क्वेश्चन 31 में है, तो बीच वाला क्वेश्चन बाद में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं जो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती हैं और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे के सामने आती हैं तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक के गाड़ी का स्पीड 75 है, एक गाड़ी का स्पीड कितना दी है 50, टोटल डिस्टेंस है कितना होगा 125 का, दोनों के बीच अंतर कितना होगा 25 का। अभी तो हल किए थे ना, 26 नंबर बिल्कुल ऐसा ही, देखो 25 का डिफरेंस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 125, क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 175 का, हल करो 25 से कितना बार में 7 बार में कैंसिल कर लोगे, और 7 और 125 का क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, दोबारा मैं बता रहा हूं, 125 और 7 का गुना करो तो कितना होने वाला है 875 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी अभी बना ही लो। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा। देखो दिया हुआ है, एक का स्पीड दिया हुआ है 21 किलोमीटर और एक का स्पीड क्या दिया है 14 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 35 का, दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा 7 का, यानी आप कह सकते हो कि 7 किलोमीटर का अंतर होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना का होगा 35 का। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 70 का दिया हुआ है तो क्या होगा, देखो 7 को अगर 70 में बदल सकते हैं तो 35 को 350 में बदल सकते हैं, यानी 350 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, बाबू दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, अनिता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता भी एक अन्य समान गति से एस से आर की ओर चलना शुरू करती है, वे 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, रोमिता का गति क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके चारों के चारों ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर आंसर होना चाहिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
चलो मैं बना लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है बाबू, अनिता का स्पीड जो दिया हुआ है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। रुमिता का स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो। टोटल डिस्टेंस है कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटे का। अभी समय कितना लगा, तो 6 घंटे का। एक्स का वैल्यू बताना है, देखो 6 से 7 बार में कटेगा, 7 से 4 को माइनस कर लो, आंसर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चारों के चारों ऑप्शन गलत है, सबको काट लो, आंसर वहां पे नोट कर लो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 27 है ना, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी साथ में बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी P से Q के लिए प्रस्थान करती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी Q से P के लिए प्रस्थान करती है। 6 घंटे के अंत में वे दोनों गाड़ियां मिलती हैं। यदि पहले वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती हो तो Q से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है, यह हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 30, मान लेते हैं गाड़ी P से चली है और एक गाड़ी Q से चली है। P से जो गाड़ी चली है उसका स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो Q से चली है उसका स्पीड मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो रिलेटिव वैल्यू सीडी दोनों तरफ से चल रही है, तो दोनों तरफ से अगर चलेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस क्या है, 162 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का। हल कर लो क्या होगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दोनों के बीच में अंतर क्या दिया हुआ था, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, यानी दोनों के बीच का अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा। हमको निकालना क्या है, Q से जो गाड़ी चल रही है उसका स्पीड यानी y का वैल्यू निकालना है। आप दोनों तरफ समीकरण को घटा लो, यहाँ पर माइनस होगा, या माइनस था तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यानी कि 2y का जो वैल्यू होगा 27 में से 8 को माइनस करेंगे 19 के बराबर होगा, तो y का वैल्यू किसके बराबर होगा, 19/2। हल करेंगे 9 × 1/2, देखो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर पर, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है बाबू, राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, राज और प्रेम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस बिंदु से एक का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे के बाद पूछ रहा है, समय कितना हो गया, 2 घंटे का। 2 घंटा तक ये भी चलेगा और 2 घंटा तक ये भी चलेगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 6 किलोमीटर का। या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 4 घंटे का, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 10 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 32 में दिया हुआ है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, 1 किलोमीटर का पत्थर का मतलब समझ रहे हो, 1 किलोमीटर पत्थर का मतलब 1 किलोमीटर दूरी नहीं, वो जो किलोमीटर का पत्थर होता है ना जिसपे लिखा रहता है पटना 30 किलोमीटर दूर अभी है, तो 30 किलोमीटर ऐसे लिखा रहता है, वो 1 किलोमीटर का पत्थर, यानी कोई पत्थर है, कोई खंभा है, तो उसको जब कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, और जब उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तब दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों का जो फल डिस्टेंस होगा, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, दूसरी भी 150 मीटर लंबी ट्रेन होगी, तो टोटल डिस्टेंस जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो 300 मीटर का होगा। कितने समय पार कर रही है, तो 10 सेकंड में। जब एक रेलगाड़ी किसी पत्थर को पार कर रही थी तो उस समय आपका दिया हुआ था टोटल कितना समय लग रहा था, तो 30 सेकंड का समय लग रहा था, तो अभी दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही आपके स्पीड होगी, तो अभी हल करो तो यहाँ पे तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे 5 यानी 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपका जवाब तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ नहीं है ना, तो 25 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। हल करोगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर दिया हुआ है बाबू। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा
और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, समय पूछा गया है। समय बराबर दूरी बटा में चाल। डिस्टेंस क्या होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का जोगफल? कितना होगा? 330 मीटर का। अब स्पीड क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी विपरीत दिशा में जा रही है 50 और प्लस 58 किलोमीटर प्रति घंटा में 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, 5/18 करना होगा, 18 को ऊपर रेफर कर लेंगे, 18 से कैंसिल कर लो, 6 बार में 6 और गुना 5 करोगे 30 होगा, 30 से 330 को अगर डिवाइड करते हो तो 11 सेकंड का समय होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका सही जवाब है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक तो कंप्लीट हो गया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है YouTube चैनल पर। इतने सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से कोई बताता है नहीं। वो तो आना है सन से, एक ट्रिक देना है, दो चार क्वेश्चन देने हैं, काम वैसे चलती है नहीं। तो क्वेश्चन को दोबारा से आप बनाओ, अगला जो वीडियो होगा वो अलग अलग टॉपिक पर मैं लाने का प्रयास करूंगा। देखो एक मैंने आपको वीडियो भेजा था 10 क्वेश्चन थे क्विज का, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ जीएस वगैरह का भी क्वेश्चन आप तक जाए, ठीक है। आप मुझे भी सुझाव देते रहो, आप चाहते क्या हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो। देखो दोनों तरफ से जब कम्युनिकेशन होते रहता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं किसी से बातें हो रही है, और नहीं तो ऐसे एक डब्बा है, कैमरा रखा हुआ है, कैमरा से बातें कर रहे हैं, ये मुझसे कुछ नहीं बोल रहा, मैं इससे कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोर हो जाऊंगा, बंद कर दूंगा, फिर शटडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। तो आप कमेंट करो, कमेंट अगर नहीं करोगे ना तो मैं ऐसा बंद करूंगा पक्का। मुझे लगेगा नहीं मुझसे कोई बात कर रहा है, एक कैमरा मुझसे बात कर रहा है, मैं इससे बात कर रहा हूं, क्या करूंगा मैं बात करके इससे। जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं चलो आप पढ़ रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।